गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा बनाई गई मिनी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखने की ओर अग्रसर है गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। कहा, गुणवत्ता पूर्वक कराई जाए कोरोना की टेस्टिंग, लापरवाही क्षम्य नहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा, कोरोना का जंग अभी है जारी, बरतें सतर्कता, करें कोरोना नियमों का पालन, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। जान से मारने की धमकी पर गोरखपुर न्यूज से बोले सदर सांसद रवि किशन। कहा, ड्रग के खिलाफ उठाया है आवाज, मची है ड्रग माफियाओं में खलबली, जनता के साथ जंग आगे भी रहेगी जारी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाकर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के दिए निर्देश। महाराजगंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी 25,000 के इनामिया शुभम सिंह सिंघाड़ा को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में रविवार की सुबह तालाब के पास एक 32 वर्षीय युवक का मिला शव। मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग गन्ना विकास व आबकारी तथा जनपद के कोरोना के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने गोरखपुर वासियों से की अपील। कहा, कोरोना के रोकथाम में दें अपना सहयोग, जिससे संक्रमण पर पाया जा सके काबू। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, फिल्म सिटी से लाखों युवाओं के प्रतिभा को मिलेगा अवसर और रोजगार। गोरखपुर में रविवार को मिले 240 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15,113, एक्टिव मरीज हुए 1,467। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। रविवार को संपन्न हुई राष्ट्रीय स्वरोजगार विद्यालय प्रबंधक संघ की बैठक। लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हुई निजी स्कूलों की समस्याओं पर हुई चर्चा, निराकरण की बनी रणनीति। पूर्वांचल नव निर्माण सेना और भोजपुरी जगत के फिल्मी कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई प्रेसवार्ता। कहा, गोरखपुर में फिल्म सिटी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री और सदर सांसद से मिलकर रखेंगे अपनी बात। सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर किया ईजी बाय शॉप का उद्घाटन। कहा, शॉप से नागरिकों के जरूरत की वस्तुएं होंगी पूरी। और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और विश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई मीडिया कार्यशाला, डेंगू के रोकथाम में मीडिया की सकारात्मक भूमिका पर हुई चर्चा।